इतनी गर्मी है और यहाँ एक एसी तक नहीं है। आखिर पता नहीं पापा ने क्या देखकर इस घर में मेरी शादी करवा दी। कौन जाने मेरा इतना खूबसूरत चेहरा देखो कैसे मुरझाता जा रहा है। क्या बात है हाँ? मेरी खूबसूरत बीवी क्या कर रही है? खुद को ही देख रही हूँ, कैसी थी और कैसी होती जा रही हूँ। ओहो डार्लिंग, तुम अपने आप को क्यों देख रही हो? तुम्हारी खूबसूरती तो किसी और को दिखाने के लिए ना, जैसे कि मैं तुम्हें देखता हूँ और मदहोश हो जाता हूँ। रहने दो, मैं खूबसूरत हूँ ये बात मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपकी बहन वापस आई थी। अच्छा, तो क्या वो लोग विदेश से वापस आ गए? हाँ, और कितनी खूबसूरत प्यारी सी एक ड्रेस पहन कर आई थी वो, और वैसे ही नए डिजाइन के महंगे वाले गहने भी। और यहाँ मेरे पास तो एक महंगी साड़ी तक नहीं है। अरे रे 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 रे, इसमें उदास होने की बात नहीं है स्नेहा, तुम तो खुद ही इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी सुंदर लिबास की जरूरत ही नहीं है, समझी? आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। आज डिनर में क्या बनाया है तुमने? और क्या बनाऊंगी, वही मछली और चावल है। वाह, बहुत बढ़िया मेन्यू है। सरसों के मसाले में तुम इतनी बढ़िया मछली बनाती हो कि उंगलियां चाट चाट कर खाने का मन होता है। डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? ये देखो, हमारी कंपनी के मालिक की बेटी की शादी का कार्ड। कितनी खुशी की बात है ना? इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है बताओ। अरे बात क्यों नहीं है, ये शादी शहर के सबसे बड़े 5-स्टार होटल में होगी, और महंगे होटल में जाने का तुम्हारा बहुत मन है ना, अब मैं तुम्हें ले जा पाऊंगा। आप ही जाना, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है वहाँ पहन कर जाने के लिए। ओह अच्छा, तो कितने पैसे लगेंगे एक अच्छी साड़ी लाने के लिए? कितना कम का भी ले लूं, 1500 तो लग ही जाएगा। अच्छा ठीक है, जीवन बीमा करवाने के लिए 5000 रुपए हटा कर रखे थे, वो तुम ले जाओ। अब क्या हुआ? साड़ी के साथ पहनने के लिए मेरे पास अच्छे जेवर भी नहीं है, मुझे नहीं जाना है कहीं। तुम एक काम करो ना, अब मेरी बहन के पास तो बहुत तरह के गहने हैं ना, तो तुम उससे एक मांग कर ले जाओ। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दरअसल मेरी नई साड़ी के साथ मेरे गहने मैच नहीं कर रहे, इसलिए सोचा। अरे तो इसमें क्या हुआ? अच्छा ही किया, इसी बहाने एक और बार मुलाकात हो गई। रुकिए, मेरे पास जो है मैं वो लाती हूँ, आप पसंद कर लेना। वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर है, क्या मैं ये ले सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले लीजिए, ये आपके नंदोई कल ही मोहल्ले की दुकान से लाए हैं। अरे आओ आओ राहुल, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग सर, ये मेरी पत्नी स्नेहा। आप तो बहुत खूबसूरत है, ये मैंने सुना था, आज मुलाकात भी हो गई आपसे। प्लीज एंजॉय द पार्टी। सुनती हो, सभी तुम्हें ही देख रहे हैं। आप ही ना, बस करिए अब, ऐसे में सच थच कर नहीं आती तो कोई नहीं देखता, समझे आप? आज की शाम तो बहुत ही बढ़िया गुजरी है ना? ऑफिस के सारे लोग तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, मेरी तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं, इसीलिए कहते हैं सुंदरता की तारीफ हर जगह होती है। सिर्फ दिखने में सुंदर होना ही काफी नहीं होता, अपने आप को सवार कर रखना पड़ता है, समझे? अरे ये क्या, मेरे हीरे का हार। क्या? मेरे हीरे का हार कहाँ गया? अरे अब मैं क्या करूँगी? कहीं होटल में तो नहीं गिर गयी वो? ऊपर वाले, कीमती हीरे का हार,
आपकी बहन परसों फिर से विदेश चली जाएगी, एक दिन मैं उसे कैसे लौट आऊंगी बताओ आप। डिजाइन बिल्कुल उसी के जैसा है। इस हार की कितनी कीमत होगी? ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है सर, डायमंड के नेकलेस है, सिर्फ 25 लाख का ही है। अब आप प्लीज कल तक इसे मत बेचिएगा, ठीक है? हम उसे खरीदेंगे। तुम इतना क्यों सोच रही हो? पूनम का हार तो हमने लौटा दिया है ना? पर उस वजह से बाजार में कितने सारे रुपयों का कर्जा भी तो हो गया। इतने सारे रुपए चुकाने में तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ना। इतना मत सोचो डार्लिंग, तुम्हारा सुंदर चेहरा इस तरह से उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखना, हम इस मुसीबत से जरूर निकल जाएंगे और मैं और मेहनत करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो तो करना ही होगा, मैं भी कहीं नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। राहुल और स्नेहा कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। राहुल अपनी कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी में भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा। ये लोग अपना मकान छोड़कर और भी छोटे मकान में रहने लगे। स्नेहा ने बागबानी का काम शुरू कर दिया। अब स्नेहा के सुंदर से चेहरे पर चिंता और दुख की रेखाएं साफ दिखाई देती थी और इसी तरह से 10 साल बीत गए। चलो ठीक है, हमारा सारा कर्जा इतने दिनों में खत्म हो गया। अब तुम अपनी बागवानी का काम छोड़ दो, तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उतरने लगा है। हाँ, मेरे चेहरे पर उम्र की झलक दिखने लगी है, रेशमी बाल भी पूरे रूखे हो चुके हैं। अब तो पुराने लोग मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ दिन आराम करोगी तो तुम पहले की तरह और भी सुंदर हो जाओगी। हाँ? सिर्फ मेरी लालच के कारण हमारी जिंदगी के 10 साल खो गए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ये क्या हालत हो गई आपकी? इतने खूबसूरत चेहरे का ये हाल कैसे हो गया? विदेश में थे इसलिए हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। उस वक्त शर्म और डर से कुछ भी नहीं कह पाई थी, पर आपको अब बता देती हूँ। इन सब के पीछे का कारण है आपसे मांगा हुआ आपका वो हीरे का नेकलेस। हीरों का नेकलेस मतलब? अरे ये क्या, अरे मेरे हीरे का हार। क्या? मेरे हीरे का हार कहाँ गया? मेरा नेकलेस खो गया था इस कारण। आप लोगों ने 25 लाख रुपए का उधार लेकर मुझे वो हार खरीद कर लौटाया और मुझे एक बार बताया भी नहीं। दरअसल उस वक्त शर्म से नहीं बता पाए थे। हे ऊपर वाले, आज इस वजह से आपकी ये हालत है। वो एक नकली नेकलेस था जो मोहल्ले की दुकान से लाए थे, और जानते हैं उसकी कीमत तो 5,000 रुपए भी नहीं थी।